महानगर में नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा शहर में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर्स, आइसोलेशन वार्ड, जिला अस्पताल, रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टेशन सहित प्रमुख स्थानों पर सैनिटाइजर छिड़काव कराया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सालय में बने आइसोलेशन वार्ड, इमरजेंसी वार्ड सहित अस्पताल परिसर के साथ साथ परिसर में खड़ी एम्बुलेंस की गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अग्निशमन अधिकारी डी के सिंह ने कहा, ये कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसको देखते हुए शहर में सैनिटाइजर सिस्टम सैनिटाइजर करने के लिए फायर सर्विस ने बीड़ा उठाया है। फायर सर्विस की कभी 3 गाड़ियां कभी 2 गाड़ियां लगातार शहर में महत्वपूर्ण स्थानों में इनके द्वारा सैनिटाइजर किया जा रहा है और आज भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, महिला चिकित्सालय, पुरुष चिकित्सालय और टीबी हॉस्पिटल नंदा नगर, चरगावा, सीएससी, जीआरपी और कार्यालय, रेलवे स्टेशन, सब्जी मंडी, फल मंडी, मंडी परिसर सब जगह छिड़काव और जगहों पे सब छिड़काव भी चल रहा है। अभी गाड़ियाँ छिड़काव कर रही हैं। कभी इस समय फायर सीजन चल रहा है, फायर सीजन को देखते हुए जिस दिन अग्निकांड की घटनाएं ज़्यादा हो जाती हैं उस दिन थोड़ा वहाँ भी देखना पड़ता है। वो फायर सीजन का इस समय पीक और चल रहा है, अप्रैल और मई जून, मई 2 माह ऐसे होते हैं जहाँ जिस समय अग्निकांड की घटनाएं ज़्यादा घटित होती हैं। तो जिस दिन आग की सूचनाएं ज़्यादा हो जाती हैं उस दिन 2 ही गाड़ी या कभी कभी एक दिन ऐसा भी हुआ कि 1 ही गाड़ी गई, नहीं तो ज़्यादातर 3 गाड़ियां 2 गाड़ियां तो रोज़ निकलती हैं। और शहर भर में नगर निगम द्वारा भी छिड़काव किया जा रहा है और फायर सर्विस द्वारा भी छिड़काव सैनिटाइजर किया जा रहा है।